कोरोना का कहर लगातार पूरे देश में बरकरार है, जिसके चलते लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है। पूरे देश में लगातार लॉकडाउन का पालन जिला प्रशासन लगातार चला रहा है। मुजफ्फरनगर के हालातों की बात करें तो मुजफ्फरनगर में फिलहाल कोरोना पॉजिटिव केसों की संख्या का आंकड़ा 6 पर रुका हुआ है। राहत भरी खबर यह है कि मुजफ्फरनगर से सैकड़ों सैंपल जो है नेगेटिव आए हैं। मुजफ्फरनगर के आज छतेला गाँव में कुछ आंध्र प्रदेश से, बिहार से और कर्नाटक से कुछ लोग यहां पर पहुंचे थे, जिन्हें जिला प्रशासन द्वारा क्वारंटाइन किया गया था। उनकी लगातार देखरेख की जा रही है। डॉक्टर विवेक शुक्ला लगातार थर्मल स्क्रीनिंग कर रहे हैं और किसी भी शख्स को यदि किसी तरह के कोई लक्षण महसूस होते हैं तो तुरंत डॉक्टर यहां पर पहुंचते हैं, उनके लक्षणों को चेक के आधार पर उनको जो है थर्मल स्क्रीनिंग करते हैं, उनकी जांच पड़ताल करते हैं। हम उनसे सीधा जानना चाहेंगे, लगातार जो है वे अपनी सेवाएं जो है देहात क्षेत्र में घर घर और गांव-गांव जाकर दे रहे हैं। इतना बड़ा जो है सहयोग उनके द्वारा दी जा रहा है, उनसे पूछेंगे हम। डॉक्टर साहब, ये बताइए, लगातार जो है आप अपना इतना कीमती समय दे रहे हैं कोरोना के इस जंग में, क्या मानते हैं और कौन सा गाँव है, क्या आपने यहाँ किया है? देखिए सर जी, हमारा एकता नर्सिंग होम तितावी में है जी, और हम जो है जब आपका कोरोना केस आना शुरू हुआ और लॉकडाउन फर्स्ट हुआ, उसी समय हम इस पर एक्टिव हो गए थे। क्योंकि जहां तक हम देख रहे हैं, हमारे जितने भी प्राइवेट डॉक्टर्स हैं वो इससे थोड़ा पीछे हट रहे हैं। इसको देखते हुए हम आगे बढ़े थे कि शायद हम अगर आगे बढ़ रहे हैं, हमारी वजह से किसी को फ़ायदा मिल रहा है, ऊपर वाले ने जो इसलिए हमें बनाया है, इंसान बनाया है, तो इससे अच्छा हमारे लिए और कोई धर्म नहीं है, कोई मजहब नहीं है। जब लगभग 26 तारीख 27 तारीख को हमने इसमें कदम रखा और आज 1.5 महीना होने को है, हम जहां भी खबर आती है, जो भी बाहर से आते हैं, जिस गांव में हमारे बघरा मंडल के लगभग 42 गांव हैं, सभी गांव में हम लगातार जा करके सबको चेक कर रहे हैं और सबको क्वारंटाइन करा रहे हैं, जिसमें हमारा शासन और प्रशासन बहुत ज़्यादा मदद कर रहा है, जिसमें प्रधान, BDO साहब, सचिव, ये लोग हमारा मदद कर रहे हैं और इनको क्वारंटाइन कराने में पूरी हेल्प कर रहे हैं। यहाँ तक कि हम देखें, प्रधान लोग अपने घर से खाना दे रहे हैं और स्कूलों में, मदरसे में, हर जगह क्वारंटाइन करा रहे हैं। और किसी को भी अगर कोई दिक्कत होती है तुरंत हमको फ़ोन करते हैं, हम तुरंत वहाँ पहुँचते हैं। और हमारी पूरी टीम, जिसमें सचिन, अंकित, रॉबिन, शुभम आदि लोग हैं, ये जो है हमारे साथ पूरा सहयोग दे रहे हैं। डॉक्टर साहब, सवाल ये है कि लगातार एक वैश्विक महामारी बढ़ रही है, इतना बड़ा चिंता का विषय है, आप अपना स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना जरूरी होता है, तो उसको भी जो है लगातार इतने समय से जो है स्वास्थ्य की वो होती है, एक अपने आप को भी स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, उसकी भी परवाह नहीं कर रहे हैं और जो है लगातार फील्ड में घूम रहे हैं, क्या मानते हैं सर? आपका सवाल तो अपनी जगह पर एकदम सही है, मगर जो हमने सबसे पहले आपको एक शब्द कहा था कि भगवान ने हमें या खुदा ने हमें जिस लिए बनाया है, इंसान है, इंसान के काम आ सके, इससे ज़्यादा हमारे लिए कुछ नहीं है। इस समय 45 दिन हो गए हमको अपने परिवार से दूर रहते हुए, हम और हमारी पूरी टीम सब अलग अलग कमरे में रह रहे हैं, परिवार के पास कोई नहीं जा रहा है। मेरा हम मकसद यही है कि हम इंसान हैं और इंसान के काम आए, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। बिल्कुल, मुजफ्फरनगर के बघरा ब्लॉक में डॉक्टर विवेक शुक्ला हैं, वे पूर्ण रूप से अपना जो है अपनी सेवा दे रहे हैं, बहुत ही बड़ी इनके लिए, और जो जनता है उन्हें भी ये संदेश देना चाहते हैं कि कोरोना के प्रति जागरूक रहे। ग्लोबल भारत यही अपील करता है जनपद वासियों से कि अपने घरों में रहें और लॉकडाउन का पूर्ण रूप से पालन करें, क्योंकि कोरोना वायरस बड़ी महामारी है, इससे बचने के लिए एकमात्र यही विकल्प है। अपने सहयोगी अनमोल के साथ ग्लोबल भारत TV मुजफ्फरनगर।